नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बच्चों को ट्रैफिक प्रदूषण से अवगत कराने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डीएसपी जोगिंदर शर्मा, सीजेएम सुखदा प्रीतम और एसएचओ राम कुमार पहुंचे। इस कार्यक्रम में बच्चों को नियमों और प्रदूषण से अवगत कराने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर और खुद की सुरक्षा के बारे में भी अवगत कराया गया। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी जोगिंदर शर्मा ने बताया कि आज के कार्यक्रम में उन्होंने बच्चों से बातचीत की, बढ़ रहे प्रदूषण को किस प्रकार से कम किया जाए उससे अवगत कराया गया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जितने भी ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा हैं उनके नंबर प्लेट लगाए जाएंगे और ये प्लेट ऐसी होगी जो दूर से नजर आ जाया करेंगी। इसके साथ ही उन पे हेल्पलाइन नंबर भी लिखवाए जाएंगे। इस कार्यक्रम में शामिल हुए ऑटो रिक्शा यूनियन के प्रधान अशोक बूंदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आज के कार्यक्रम में कई स्कूलों के बच्चे शामिल हुए, उन्हें आत्मसुरक्षा, ट्रैफिक और प्रदूषण के बारे में अवगत कराया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऑटो रिक्शा के नंबर सिस्टम होने चाहिए, इसके लिए वे सरकार के साथ खड़े हैं और जिन ऑटो रिक्शा के नंबर नहीं है वो रिक्शा नहीं चलने चाहिए। अम्बाला से हमारे विशेष संवाददाता सुरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। ये कैंप हमारे आदरणीय सीजीएम मैडम शुभदा प्रीतम जी और हमारे डीएसपी जोगिंदर शर्मा जी और हमारे एसएचओ राम कुमार जी के आदेशानुसार यहाँ पोल्यूशन डे आज लगाया गया। हमारे बीच में स्कूल के अनेकों बच्चे भी आए जिन्होंने अपने तरीके से हमें अवेयरनेस किया, समझाया कि पोल्यूशन को ट्रैफिक को नियम को कैसे फॉलो करना है और आगे आगे कैसे बताना है। आदेश भी किए डीएसपी साहब ने, हमारी बात भी हुई, पर हमारी जो बातें हैं अगली मीटिंग रख दी है, बैठकर विचार किया जाएगा। नंबर सिस्टम करने चालू, नंबर सिस्टम लगवा दिए जाएंगे और नंबर सिस्टम लगने भी चाहिए। मैं सरकार के साथ खड़ा हूँ इस विषय में, क्योंकि ऑटो है चाहे ई रिक्शा है चाहे कोई भी कल है जिसके ऊपर नंबर ही नहीं है वो सड़क पर नहीं चलना चाहिए। इस बात पर मैं सरकार के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। यही बातें आज हुई हैं। ऑटो रिक्शा वाले सारे हमारे सब स्टैंडों से लोग आए हुए हैं, हमारे वैन एसोसिएशन के प्रधान अमन जी स्टैंड से आए हुए हैं, टोटली हमारे साथी हर स्टैंड से सारे प्रधान जितने भी हैं आज बस स्टैंड पर सारे इकट्ठे हैं और इसी विषय पर लगातार बात जारी है। तो मेरे को उम्मीद है कि आज जो मीटिंग हुई है हमारे सारे साथी मेरा सहयोग करेंगे, क्योंकि मैं प्रशासन को जबान दी है, मैं प्रशासन का सहयोग करूँगा और उनका सहयोग लूंगा भी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।